हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उज्जवल में। पिछले सारी वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताए गए थे आपके बोर्ड्स के अनुसार से। सेकेंडली हमने डिस्कस किया था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर साउंड। साउंड चैप्टर से लिए गए थे, कुछ 10-12 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके सामने मैंने रखे थे, आपको बनाने के लिए कहा था। फिर मैंने सोचा कि अगर बारी बारी आपके सारे चैप्टर्स को अगर यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा तो बहुत सारा टाइम इसमें निकल सकता है। इसलिए मैंने एक काम किया कि आपके सारे चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, सारे चैप्टर्स फोर्स मशीन्स, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी साउंड, सारे चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए। आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड्स क्वेश्चंस को देखते हुए, आपके रिड्यूस सिलेबस को देखते हुए 10-12 क्वेश्चन हर चैप्टर से प्रिपेयर किए गए हैं और उसको मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिया है। आपको ब्लॉग कहाँ से एक्सेस करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ujwalunacademy.blogspot.com। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे जो आपको लिंक मिलेगा सबसे पहले उस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक पोस्ट पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा, जो इस पोस्ट का नाम होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर फिजिक्स क्लास 10 ICSE 90% गेस्ट क्वेश्चंस। आपको उस पोस्ट पे जाना है और जैसे ही आप उस पोस्ट पे पहुंचिएगा आपको नीचे में सारे चैप्टर्स के बारी बारी आपको पीडीएफ लिंक्स मिल जाएंगे। सारे चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं पीडीएफ लिंक, चैप्टर साउंड, चैप्टर वर्क पावर एनर्जी एंड फोर्स, चैप्टर मशीन्स, सारे के आपको पीडीएफ लिंक्स अवेलेबल हैं। आप जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा आपको उस पीडीएफ लिंक से आप रिडायरेक्ट हो जाइएगा डायरेक्ट ड्राइव पे। आपको सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाना है, फिर भी मैं आपके सामने कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको वहां प्रोवाइड कराए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किया था वो चैप्टर फोर्स से था। फोर्स में सबसे पहला आपका क्वेश्चन है डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स विथ एग्जाम्पल। ठीक है, आपको मोमेंट ऑफ फोर्स डिफाइन करना है, आपको उसके एग्जाम्पल भी देने हैं और आपको SI यूनिट भी लिखना है। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा जा चुका था शायद, मुझे ठीक से याद नहीं अभी, पर डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स कॉमन क्वेश्चन है जो आ सकता है वापस से। इसका SI यूनिट भी आपको याद कर लेना है और जहां भी मैंने आपको डिफ्रेंशिएट दिए हैं आपको याद रखना है कि सारे के आपको 4 डिफरेंशिएट याद रखने हैं किसी तरह से भी, कि ताकि अगर आप 2 भूल जाएं तो आपको 2 कैसे भी याद रहे। ठीक है, इसलिए आपको जहां भी डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन है आपको 4 डिफरेंशिएट याद रखना है, मिनिमम 4 डिफरेंस। और जहां पे आपको डिफाइन पूछा जाए अगर उसका SI यूनिट है तो आप लिख दे, अगर उसके एग्जाम्पल्स हैं तो आप याद कर ले। हालांकि रिड्यूस सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चंस के एग्जांपल्स को वो इग्नोर किया गया है, मतलब कि एग्जांपल्स में नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आपको याद कर लेना है अपने सुविधा के लिए। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए न्यूमेरिकल्स भी डाले गए हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, ए यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन ए नाइफ एज। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, इस टाइप्स के क्वेश्चंस फलक्रम वाले जो मशीन से पूछे जाते हैं, जिसे बीच में फलक्रम दे दिया जाता है, साइड से लोड दिया जाता है, एक साइड का दिया जाता है दूसरे साइड का आपको निकालना रहता है, इस टाइप्स के क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आपको 10 न्यूटन का एक लोड दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स, इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको बुक में ढूंढने हैं, कहाँ कहाँ पे इस टाइप्स के क्वेश्चंस है, मीटर स्केल वाले, रूलर वाले, आपको सारे क्वेश्चंस आपको बुक में ढूंढने हैं, उसको खुद से बनाना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको वहां प्रोवाइड किए जा रहे हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, उसी बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करनी। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ
जरूरी नहीं है कि 100% यही क्वेश्चन आ जाए, पर इस पैटर्न के क्वेश्चन, जैसे आपको अगर न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे 10 न्यूटन है, तो जरूरत हुई ना कि आपको एग्जाम में भी 10 न्यूटन ही दिए जाएंगे, कुछ और न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। इसलिए आपको ये रटना नहीं है, आपको समझ के अच्छे से बनाना है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि रेंच का लेंथ लंबा क्यों दिया जाता है, जैसे क्या रेंच मतलब होता है कि प्लास ये सब होता है, उसका हैंडल लंबा क्यों होता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाएगा स्पैनर हैज लॉन्ग हैंडल व्हाई, ठीक है। आपको ये सब के आंसर्स मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये सब खुद ढूंढना है, आपको खुद चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको मैंने बताया 4 डिफरेंशिएट आपको याद करने हैं किसी तरह से भी, ठीक है। देख सकते हैं मैंने सारे चैप्टर्स के आपको नोट्स यहाँ खुद से बनाए हैं, खुद से प्रिपेयर किए गए हैं सारे चैप्टर्स के नोट्स, ठीक है। सारे चैप्टर मतलब क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। मशीन से आपको पूछा गया है राइट अ रिलेशनशिप बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो MA एंड VR ऑफ एन आइडियल मशीन। MA और VR में आपको रिलेशनशिप बताना है, ये भी क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है, इस बार भी उम्मीद है इस क्वेश्चन को आने का। डिफाइन द टर्म वेलोसिटी रेशियो एंड स्टेट इट्स SI यूनिट। ओवरऑल इसी टाइप्स के क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, आपको ये सब याद कर लेना है। मशीन चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं हर साल, आपको हर साल की तरह इस साल भी मशीन का न्यूमेरिकल्स पढ़ लेना है बेटर तरीके से। उसके बाद एक क्वेश्चन हर साल कॉमन क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास थर्ड लीवर इज ऑलवेज लेस देन वन। कभी इसमें मोर देन वन, लेस देन वन, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, ये सब क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं, इस साल भी इसके आने के चांसेस हैं। उसके बाद है डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। तीनों में एक रिलेशनशिप दिया गया है आपके बुक में, आपको अगर अपने बुक में ये सब नहीं मिले सेलिना का बुक पढ़ सकते हैं, सेलिना के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन टकरा जाता है आपके बोर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद लाइट के रिफ्लेक्शन से आपको स्नेल्स लॉ पढ़ लेना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेना है, प्रिज्म पढ़ लेना है, इक्विलेटरल प्रिज्म में आपको रिफ्रैक्शन पढ़ लेना है, ग्लास स्लैब पढ़ लेना है, बेंडिंग पढ़ लेना है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बोर्ड्स के लिए, आप पहले उस वीडियो को देखिए, उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए, प्रिपरेशन अच्छी होगी अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ भारी क्वेश्चंस नहीं है, आपको बस बनाना है, कंसंट्रेट करना है, रेगुलर स्टडी करना है, रेगुलर टाइम देके 3 to 4 आवर आपको सेल्फ स्टडीज भी करने हैं, ठीक है। और ओके, तो आज के लिए बस इतना ही था, बस आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि PDF फाइल्स आपको दिए गए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके कंफर्ट लेवल को देखते हुए ये प्रिपेयर किया गया है, ताकि आप एक साथ सारे क्वेश्चंस को बना सके, बारी बारी मुझे आके यहाँ पे क्वेश्चंस देने ना पड़े, फिर आपको लिखना ना पड़े, इस कारण से मैंने PDF ही बना के आपको दे दिए हैं। PDF में अगर किसी भी तरह का आपको दिक्कत आ रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट करें, उसके बाद ईमेल के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स एटसेट्रा, लव यू ऑल, बाय।